हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, और जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले जो बैंक निफ्टी है कहने की अपने में टॉप पे कुछ डब्लू पैटर्न बना रहा था, और कहने की ऑलमोस्ट मार्केट जो है टॉप पे से कहने की गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल करा था, और कहने की बॉटम पे कहने की अपने में एक डब्लू पैटर्न देखने को मिला था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो बैंक निफ्टी में अच्छे कंटिन्यूशन में ऊपर टारगेट भी देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है कहना कि अपने आप में अगेन इस जोन के आसपास कुछ डब्लू पैटर्न बनाया, और एक्जैक्टली उसका कहना कि अपने आप में बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद में बैंक निफ्टी जो है कहना कि अपने आप में साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा था। तो उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले जो है कहना कि बैंक निफ्टी यहाँ पर भी अपने एक चैनल के अंदर साइडवेज मार्केट था, सडनली बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। तो हमारा प्रेडिक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर कल बैंक निफ्टी का इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, जैसे कि इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं अपने आप में गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आता है और अपने आप में कहीं इस जोन के आसपास 50,080 के आसपास अपने आप में सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तो उसके इसमें भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का अगर इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है तो वेल एंड गुड। फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी अपने आप में 50,000 के ऊपर कहना कि 50 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके इसमें भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा इंटरेस्टिंग मिनिमम टारगेट होना चाहिए कहना कि 50,400, सेकंड टारगेट 50,800, और थर्ड टारगेट जो है इंपॉर्टेंट 51,200 मिनिमम होना चाहिए। व्हाट इफ इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर कुछ गैप डाउन ओपन हो जाता तो वेट एंड वॉच। अगर बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी कंटिन्यूएशन में पुल बैक में रिवर्स आता है और अगेन 50,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो उसके इसमें भी हम सी साइड बात प्लान कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे थोड़ा निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी जो है प्रीवियस टाइम पहले अपने आप में यहाँ पर एक जोन के यहाँ पर ट्रेड कर रहा था कहना कि 22,600 के आसपास। उसके बाद में बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला था कहना कि 23,370 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हो निफ्टी स्लो एंड स्टडी अपने आप में एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा, और निफ्टी में बहुत खासा अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिला था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ने बॉटम पर कुछ डब्लू पैटर्न बनाया, उसके बाद में अगेन इस जोन के आसपास अपने आप में कुछ डब्लू पैटर्न बनाया और कहना कि कंटिन्यूशन ऊपर गया। और अभी जो निफ्टी है कहने की अपने अपने जो हायर लेवल पे अपने में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और तो अभी हमारा प्लान एक्शन कल के लिए क्या हो सकता है, अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है तो वेल एंड गुड। और फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी अगर गलती से भी स्लो एंड स्टडी 23,330 के ऊपर ट्रेड करता है, प्रीवियस स्विंग को प्रीवियस हाई को ऊपर ट्रेड करता है तो उसके में हम सी सेट प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है कहना कि 23,600 मिनिमम होना चाहिए। व्हाट इफ इमेजिन करो कर अगर कल निफ्टी का गैप अप ओपन हो जाता है 23,800 के आसपास तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगर निफ्टी कंटिन्यूस में करेक्शन करता है 23,330 के आसपास करेक्शन करके अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तो मार्केट में हम अगेन सी साइड प्लान करेंगे, और जो मार्केट प्रीवियस टाइम पहले अपने में हाई बनाया था उसी का मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर इमेजिन करो कल निफ्टी जो है इस जोन के ऊपर कुछ फ्लैट ओपन होता है या निफ्टी का कुछ 23,130 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो वेल एंड थोड़ा सा वेट करो। अगर निफ्टी स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू अगेन करता है 23,330 के ऊपर तो उसके इसमें भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी कुछ अपने आप में इस जोन के आसपास कुछ एम पैटर्न बना के डबल टॉप पैटर्न बना के 23,130 के नीचे ट्रेड करता है, कुछ 50 मेगा कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम पी सेट प्लान कर सकते हैं, 10-20 रुपए का एसएल डाल के ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है मिनिमम 23,000 का मिनिमम फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर निफ्टी अगर कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के 23,000 के नीचे कंटिन्यू करता है तो हमारा उस केस में जो मिनिमम इंटरेस्टिंग टारगेट है वो अपने आप में 22,800 मिनिमम बन जाएगा।